अगर अलाउद्दीन वहां पर आ गए, अगर वहां पर अलाउद्दीन आ गए तो तुम लड़ोगे, वो खुद तुम्हारे हाथों से मारे जाएंगे। अभी तक आज तक तुमने उन्हें कोई सबर नहीं किया, लेकिन ठीक है, धालू सेना पास से मैं सलाह कर लू, महाराज जी सिरसा पे चढ़ाई करने की तुम्हारी क्या सलाह है? यानी सिरसा पे चढ़ाई करने के लिए हमारी पूरी रिया क्या सेना प्रधान सुनो तो सात कर सा साज का सान साने को रोक पीर भर से सागर के दावे झड़ी मोर दो नाव का दो तीन कंटा काटोला यहाँ सागर का कुंडल ताहर तूने ये क्या किया, ये क्या कह दिया? कठोर खादी का डोला है कमर मलखान पच परवार का डाक हुआ होगा बेटा नहीं डॉलर ही वाटर ठंडा हमारा ताहर चहन ऐसा हर की नहीं हो सकता है। ये तादुक जीते जीते गज गोतिन के अगर तुमने हाथ अगर उसकी तरफ निगाह उठा मैं तुम दोनों पर नाक हमें लगता कि हमारी फौज में तुम झगड़ा कर रहा सुनो विराज क्या बात तो सरसों का जान नरसों का ही ठीक है सरसों का जान तो नहीं ठीक है बहन भाग जा हमारी बहन को करो ये कटनी ये भटनी अरे कृपा तुम बस हो बात सामने महोबा दिखाई देता है हाय रहता है ये सामने महोबा नजर आता है यहीं पर घीमे लगा दिए जाए देखता है कौन लड़ने आता है हाँ चलते चलते हो भाई अपने चमन को मौसम हो बड़ा
कैसा हाल है? चलते हुए मैं अपनी माँ से बताता हूँ। लगता है कोई साला जंग मैदान में नहीं आएगा। ठीक है, आने का इंतजार करते हैं। ठंडी हवा चल रही है जैसे कोई घटा मिल रही है। ठंडी हवा चल रही है जैसे कोई घटा मिल रही है। तेरे हाथों पे अभी तेरा हाथ ही तो है। आज मौसम ओ बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। आए मेरे यारी आए हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। आए मेरे यारी आए हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले। तेरी मर्जी क्या अब बात ताले,
माँ मैंने सुना है मार मलखे मलखे को मारे आए हैं, मैंने सुना है बाजी मेरी अरे मार मलखे आए हैं, अरे छीन कर डोला मेरा दिल्ली को ले जाएंगे। बेटी इसी बात को कब हमें भी है लेकिन तू घबरा गई द्वारपाल, तुम्हें इस वक्त जयपुर जाना है और जाकर वहां जागरण से कह देना अगर खाना वहां खा रहा हो तो मान जाकर यहां पर। बहुत अच्छा जाओ बेटी चल मेरे साथ। न जाने क्या बात है अभी तक द्वारपाल क्या हो रहा है। अरे भैया जय राम जी की राम राम। देखो भैया वैसे बहुत चिंता का बात है। आखिर बात क्या है? बात का तुम्हारी लाली जो है लाली ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। मेरी नानी और मौसी ने हाँ संदेशा भेजा भैया कि जाओ जाकर से कह दो अगर खाना अपने जग लेरी में खाए तो पानी हमारे और बहुत जल्द ही बुला कर ले आओ। इसका मतलब मेरी नानी मौसी ने इतना सख्त बुलावा दिया है। हाँ भैया जागरण अगर जे भोजन जगनेर में करे हाँ तो हाथ वहां जाकर धोले। इसका मतलब ये हुआ मेरी नानी मौसी ने इतना सख्त बुलावा दिया यह जागरण इसी वक्त आपके साथ चलेगा। चलिए मामा जी देख रहे यह जागरण जब भी कभी आता था तो मेरी नानी और मौसी मुझे प्यार से बिठाती थी लेकिन आज मुझे देखते ही आज अपने सर को नीचा कर ली बैठी हुई है और इनके आंखों से आंसू बहा हो गए चरणों में जागरण खड़ा
आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है? बेटा तुमसे क्या कहूं दर्दे क्या बताऊं कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है? किस लिए नानी जी? तुम्हें बुलाया इसलिए है कि तुम्हें रजगीर जाना होगा और वहां से आला उतल को मिला के तुम्हें लाना है मुझे। नानी! हाँ, ये आप क्या कह रही नानी जी? ठीक कह रही हूं। इस मोहम्मद नगर को पृथ्वीराज की सेना ने चारों तरफ से घेर रखा है। हाँ बेटा, आज पृथ्वीराज से अगर अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसकी नौलाख दल है और उसने चैलेंज दिया है कि तुम्हारी मौसी चंद्रावली का डोला दिल्ली जरूर ले जाएगा। मेरी मौसी का डोला ले जाएगा? बेटा, अगर तुम रिजगीर नहीं जाओगे तो पृथ्वीराज मेरा डोला लेके दिल्ली चला जाएगा। किसकी भुजाओं में इतनी ताकत है जो मेरी मौसी का डोला ले जाएगा? यह कभी नहीं हो सकता। रही बात आल्हा रुदल को बुलाने की, अगर जी आप जिद कर रही है ना तो यह जागन जाएगी, लेकिन मुझे ब्रह्मा मामा का जो 1 लाख का घोड़ा और 1.25 लाख का जो कोड़ा है ना वो हमें चाहिए। द्वारपाल। हाँ नानी। वो जो परमानंद का घोड़ा और कोड़ा है उसे लाके हाजिर करो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही जल्द ये जागरण रिजगीर से वापस आएगा। अच्छी बात है। लेकिन बेटा ये कोड़ा बहुत होशियारी से रखना, क्योंकि ये 1.25 लाख का है। नारी, घबराने की बात नहीं, अत शीघ्र ही हम वापस आएंगे। बहुत अच्छी बात है। छोड़ी चले, छोड़ी चले तेरे दल को, छोड़ी चले तेरे दल को, छोड़ी चले। Let's go!
बेटी देखो माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों घबरा रही है? चल मेरे साथ चलो। आओ। ओ जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, भक्ति पड़े परिगज भर दुनिया देने वाला कोई नहीं, परिगज भर दुनिया देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा देखो हरीश चंद पे कास जाए बिके भाई, वक्त पड़ा देखो हरीश चंद पे कास जाए बिके भाई, रोहित तो कोट सो सरिप दे उसी समय रोहित को देखो बचाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े परिगज भर दुनिया देने वाला कोई नहीं। हमने सुना है कि जागन जागन पिताजी बेटा तहर जागन जगनेर से रिचकिर जा रहा है, तो आज हमारा हुक्म है कि जितने घाट हैं नदी के सब घाट रोक दिए जाए और बेतवा घाट पर ड्यूटी लगा दिया जाए। बहुत ठीक है माइल भाई। साना पथानो कहो मामा जी क्या बात है? वाह भनो तहर वाह चौहान भाई, अरे हाथ फाथर बैठो। आखिर क्या कहना चाहते हो? तो जा रहा रिज के कहने तो जा रही तुमने कहा कि कनौज जागा धरा तो इसके दिल में करो ना जरा तुम दिल में चराना चरा तुम कर है घेरा चो तरब चो महाबा अगर जागन जगनेर से रिस्किट जा रहा है चारों तरफ से महोबा गिरा है देखते हैं किस रास्ते से। भाई ना उन्हें तुम गफलत न क्यों हो? अगर गफलत कर दियो तो बड़े संकट पर जो आना उतर तुम भाई मामा जी कदम नहीं होगा। वाव सारा पधानो शाबाश शाही कर करो और अच्छा मैं करता हूँ आराम करने के लिए। चलो आराम करो मामा जी। सारा पधा दो महाराज पहले फाटक इसके जो आघात पर तुम्हारी ड्यूटी है। जय श्री अज्ञा। न इस पार का इंसान उस पार जा सकता है और नहीं तो उस पार का इंसान इस पार आ सकता है। जय श्री आपके अज्ञा। कोई भी इंसान इस पार से उस पार जा सकता है। नहीं महाराज ऐसा हर की नहीं हो सकता है क्योंकि मेरा यहाँ पे पहरा रहेगा।
जागरण क्या एक चिड़िया भी नहीं जा सकती है। ऐसा होना चाहिए। हाँ महाराज मैं चल रहा हूँ, आराम करने के लिए। आराम करिए।